नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको दमा या अस्थमा की शिकायत है, आपको लंबे समय से इससे पीड़ित हैं, आपको आज मैं आपके साथ में एक ऐसी होम्योपैथी की चमत्कारिक दवा के बारे में आपको जानकारी शेयर करूँगा, जिसके कि अस्थमा में या दमा में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके मैजिकल रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं और यह आपके अस्थमा या दमा की जो शिकायत है उसको जड़ से ठीक करने में सक्षम है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस इंडियन कॉकरोच से बनने वाली एक दवा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लाटा ओरिएंटलिस को आपको किस तरह से काम में लेना है, कौन से सिम्टम्स में इसमें काम में लेना होता है और इसके साथ साथ इसको लेने का क्या तरीका है, इन सभी बातों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो अस्थमा या दमा की जो शिकायत होती है, एक बहुत ही क्रोनिक कंडीशन होती है और ये किसी को भी हो सकता है। छोटे बच्चों को हो सकता है, यंग को एडल्ट्स जो होते हैं उनको हो सकता है, या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी हो सकता है। और ये काफ़ी जिनको होती है उनको काफ़ी लंबे समय से उनको ये डिजीज जो होती है वो परेशान करती है। दोस्तों, होता क्या है अगर हम बात करें कि अस्थमा में, तो एक छोटे से अगर नॉलेज अगर आपके साथ में हम शेयर करें तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो फेफड़ों तक जो सांस ले जाने के लिए जो नलियाँ होती है, जो सांस नली होती है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, जो यहाँ से होती है आपको, और वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के फेफड़ों में डिवाइड होती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और फिर ये आगे जाकर और फेफड़ों में छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन नलियों में क्या होता है कि जब आपको अस्थमा का अटैक आता है या जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है, ये जो नलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके साथ साथ जो आकार होता है वो आकार सिकुड़ जाता है, जिसके कारण उसमें आपको फेफड़ों में सांस लेने में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, वहाँ तक हवा जाने में आपको परेशानी होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है और उसकी वजह से आपको जो नलियाँ होती हैं, नलियों में कई दफ़ा म्यूकस जैसा जमाव भी हो जाता है जो इसको और सिकोड़ देता है। दोस्तों, इस तरह के सिम्टम मिलते हैं जब आपको, तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है, आपको छाती में आपको भार आना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है आपको चेस्ट में कंजेशन फील हो रहा है, आपको छाती पे भार महसूस होता है, आपको छाती में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और सांस लेते हुए वीजिंग की यानी सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। आप जरा सा भी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आप हाँफ जाते हैं, आप चलने फिरने में आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपको बहुत ज़्यादा एग्जर्शन फील होता है आपको। इस तरह के सिम्टम जो देखने को मिलते हैं तो, और ये जो सिम्टम होते हैं वो अक्सर उन लोगों में जब कभी वो धूल मिट्टी में आप काम करते हैं तो उसकी वजह से आपको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है, या जब मौसम चेंज होता है पर्टिकुलर तो उस वजह से आपको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है, या आपको सर्दी में अक्सर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आती है आपको। उसके साथ साथ ही आपको पर्टिकुलर कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप रात को सोते हैं इसलिए जाते हैं, तो जब सोते हैं तो आप उस समय ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपको बढ़ जाती है, सांस लेने में परेशानी आना शुरू हो जाती है, आपको अस्थमेटिक अटैक आ जाता है। यह जो सिम्टम्स होते हैं, इन सभी सिम्टम्स में आपको ब्लाटा ओरिएंटलिस जो होती है वो आप काम में ले सकते हैं, तो उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अस्थमा की शिकायत है तो आपको इसको लेना किस तरह से है, आपको अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहा है तो इसको डोजेस क्या है, किस तरह से इसको काम में लेना होता है। दोस्तों, अगर आपको अस्थमा का अटैक आया है अभी और उस कंडीशन में आपको इसको मदर टिंचर की फॉर्म में आपको काम में लेना होता है, यानी अगर आपको अभी आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपको आपको वीजिंग साउंड आ रही है आपको, और आपको घुटन महसूस हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको इसको 5 से 10 बूंद आपको कुछ अंतराल में आपको इसको रिपीट करना होता है, कुछ डोजेज 2 या 3 डोजेज इसको आपको 15-20 मिनट या आधे घंटे से आपको इसको रिपीट करना होता है। जैसे ही आपको अटैक आपका इसमें आपको ये जो लेंगे आप उसको आपको आराम महसूस होता है और जब आपको लगता है कि अब आप कंफर्टेबल हैं तो उसके बाद में इसके जो डोजेज होते हैं वो घटा दिए जाते हैं, इसको आपको 2 या 3 बार आपको दिन में इसको लेना होता है एज़ पर योर सिम्टम एंड एज़ पर योर गाइडेंस ऑफ योर होम्योपैथी डॉक्टर। जैसे आपके होम्योपैथी डॉक्टर आपको सलाह दें वैसे उसमें आपको लेना होता है। लेकिन दोस्तों, जब आपको आपका अटैक चला जाता है, जब आपको लगता है कि अब आप कंफर्टेबल है, तब आपको इसमें लोअर पोटेंशियम काम में नहीं लेना होता, क्योंकि अगर आपको इसको लंबे समय तक आप इसको लोअर पोटेंशियम में काम लेंगे यानी मदर टिंचर फॉर्म में अगर आपको काम में लेंगे बिना अटैक के, तो आपको ये आपकी जो अस्थमा की जो सिम्टम्स है उसको ये बढ़ा भी सकता है, आपको एग्रावेट भी कर सकता है कंडीशन को। इसलिए आपको ये जो मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें। दोस्तों, और ये तो बात होगी एक्यूट कंडीशन की, यानी अगर आपको अटैक आया तो इसको कैसे काम में लेना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको क्रोनिक कंडीशन है यानी आपको लंबे समय से आपको अस्थमा की शिकायत है और आप इनहेलर्स ले रहे हैं, आपको काफ़ी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको इसमें स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, आपको बार बार स्टेरॉयड या इनहेलर्स लेने पड़ रहे हैं आपको, तो दोस्तों इस तरह की जो कंडीशन है जब आपको, तो आपको क्रोनिक कंडीशन में आपको लेने का तरीका होता है इसकी पोटेंसीज में इसको काम में लिया जाता है, यानी हायर पोटेंसी में इसको काम में लेना होता है। उस कंडीशन में आपको इसकी ब्लाटा ओरिएंटलिस की 200 पोटेंसी काम में ली जाती है। ब्लाटा ओरिएंटलिस 200 को आपको इसमें वीक में 2 बार लेना होता है, यानी आपने मान लीजिए संडे को लिया है तो संडे को मॉर्निंग में 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे आपने इसकी ली ब्लाटा ओरिएंटलिस 200 की, तो वापस इसको 3 दिन बाद यानी आपको बुधवार को आपने या वेनेसडे को आपने इसको आपको रिपीट करना होता है 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर आपको, यानी 3 दिन में 1 बार सिंगल डोज आपको इसको लेना होता है।
कई दफ़े इसकी और हायर पोटेंसी जैसे ब्लाटा 1 ml तक भी इसमें काम में ली जाती है एज पर सिम्टम दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा आपको बताता हूँ, आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, क्योंकि आपको ब्लड आपके जो सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के, उसके अस्थमा के सिम्टम्स को देखते हुए आपको इसमें और भी कई मेडिसिन होती है जो कि दी जाती है। जैसे आपको आपको कंजेशन कितना है, आपको आप आपको चेस्ट में कफ कितना बन रहा है, उसके साथ साथ आपको सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो आपको पर्टिकुलर कब आपको बढ़ती है, आपके जो इसका ड्यूरेशन होता है यानी आपको एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है, कई चीज़ें होती है जिसको देखते हुए आपको इसमें और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि ब्लाटा के साथ दी जाती है, तो इसमें आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है ब्लाटा ऑर्निटेलिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की आपको पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।